सलमान खान की रेस 3 भले ही फ्लॉप रही हो, लेकिन सलमान खान बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट मशीन है, तभी तो लगातार 13 फिल्में 100 करोड़ उन्होंने दी है। दोस्तों यूं तो साल 2018 में सलमान खान फ्लॉप हुए और उसके बाद आमिर खान, शाहरुख खान जैसे सितारे भी फ्लॉप हुए, लेकिन आमिर और शाहरुख के ऊपर ही फ्लॉप भारी पड़ी। लेकिन सलमान एक ऐसा एक्टर हैं जिनके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता अगर उनकी एक फिल्म ना चले तो। सलमान खान के फैंस में दम है, इस बात में कोई भी दोहराई नहीं। उनकी खराब फिल्में भी आसानी से 100 करोड़ का बिजनेस कर लेती है, और ऐसे में रेस 3 जैसी फिल्म ने भी जब भारत में 180 और विदेशों में 320 करोड़ की कमाई की, तो सलमान खान की अब जो टीजर आई है भारत, ये तो 500 करोड़ का ठप्पा लेके आई है। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो फिलहाल वो एक सुपरहिट एक फ्लॉप करके चल रहे हैं। उनकी ट्यूबलाइट फ्लॉप हुई तो टाइगर जिंदा सुपरहिट हुई, रेस 3 फ्लॉप हुई तो अगली फिल्म होने वाली है भारत। ऐसे में कोई भी दोहराई नहीं कि भारत 500 करोड़ का बॉक्स ऑफिस तमगा लेकर ही मानेगी, और सलमान खान ऐसा कई दफा कर भी चुके हैं। सलमान खान की बात रिकॉर्ड में करें तो उनके आगे पीछे कोई भी नहीं, खासकर कमाई के मामले में सलमान खान की कोई भी तोड़ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान ईद के मौके पर हर साल आते हैं और कमाई का नया रिकॉर्ड स्थापित करते हैं, और इस बार जैसे ही भारत का ये टीजर देखने को मिल रहा है, सलमान के नए नए लुक देखने को मिल रहे हैं, देशभक्ति की भावना देखने को मिल रही है, ऐसे में सलमान खान की भारत मानो 500 करोड़ का टैग लाइन लेके अपने साथ आई है। दोस्तों आपको क्या लगता है, सलमान की भारत का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या 500 करोड़ का रिकॉर्ड पार करेगा? तो अब की बार सलमान के फैन हैशटैग करें #500 पार अब की बार। जी हाँ दोस्तों, भारत का ये टीजर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, सब्सक्राइब करें देखो देखो ताकि आने वाली अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।